بسم الله الرحمن الرحيم। हया और गैरत ये दो चीजें हैं, अगर खत्म हो गई वापस पलटाना तकरीबन नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है। इंसान जो चीज देखता है ख्याल करे क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। और यही बहुत बड़ी इबरत है बनी इसराइल वालों की जो हमारी जिंदगी में आई। और कुरान ने हमें यह दर्स दिया है कि बनी इसराइल की एक एक इबरत गैबत के जमाने में हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है। और अगर हम चाहते हैं इस दौर में, दौर फितन है, गुनाह हर जगह से यलगार गुनाह है, हर बुरा काम इंसान इस दौर में कर सकता है। इमाम के ज़माने में भी कुछ ऐसे हालात थे, इमाम मासूम के पास एक शख्स आया, कहा मौला क्या करूं, गुनाह मुझे छोड़ते नहीं, बुराइयां मुझे छोड़ती नहीं, बुरी आदतें मुझे छोड़ती नहीं। मौला फरमाते हैं फ़फ़िर्रू इलल हुसैन, दौड़ दौड़ कर हुसैन की तरफ जाओ। हुसैन कौन है? कश्ती नजात हैं, जितना भी तूफान बड़ा आ जाए हुसैन की कश्ती कभी भंवर में फंसती नहीं है, ये बचा ले जाएगी तुम्हें, बस खुद को उस कश्ती तक पहुंचा दो। एक मोमिन था आलम दीन के पास आया, कहने लगा मेरा एक भाई है, हर बुरा काम उसने किया है, ऐसे ऐसे बुरे काम, कत्ल जिना ये तो कोई बात ही नहीं है, शराब इससे बदतर इसने काम किए हैं, मैंने हर बुरी हर मुमकिन कोशिश की है बुरी आदतों से इसे छुड़ाऊं, वो करता है मैं क्या करूं। मौलवी ने कहा नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। हराम खाता है? खाता है। हर काम, बहुत सोचा, बहुत ऑप्शन दिए, कहा वो हर काम करता है। कहा कैसे करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे शायद तुम्हारे भाई की हिदायत हो जाए। कहा बताओ। कहा कि तुम अपने भाई को करबला लेकर जाओ और वहां पर जो जो हालात होंगे मुझे आकर बता देना, उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को हिदायत देने की कोशिश करूंगा। ये कहता है ठीक है। ये अपने भाई को कहता है चलो करबला, वो बेदीन था, उसने कहा मुझे क्या करबला से लेना देना। कहा चलो कोई नहीं, वैसे ही घूमेंगे फिरेंगे, इस बहाने से इसे लेकर गया। कहा ठीक है। थोड़ी थोड़ी शायद उसके दिल में मोहब्बत थी मौला की। कहता है करबला में बस चल रही थी, मेरे भाई को मैं गौर गौर से देख रहा था, आलम दीन ने मुझे बताया था कि क्या करो, मैंने देखा कोई भाई में तब्दीली नहीं, वही बुरी लैंग्वेज, वही हरकतें। करबला के शहर में पहुंचे तकरीबन वैसा था, हरम की तरफ जब जाने लगे मैं भाई को गौर से देख रहा था, गुनहगार भाई था, मैंने कहा देखा थोड़ी उसमें तब्दीली आई, अब वो आदाब हरम को कुछ ख्याल रखने लगा। कहा जब जरी के सामने पहुंचे वो मेरा गुनहगार भाई चीख चीख कर हुसैन की जरी से लिपट के रो रहा था। उस वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ा, भाई अब हुसैन के दर पे आ गए, अब गुनाह छोड़ दो, अब बुराई छोड़ दो। कहा मैं हुसैन की कसम खा के कहता हूं अब मैं उन बुरी आदतों की तरफ नहीं जाऊंगा। यकीन जानो हुसैन की दरबार ऐसी है जो यहां पर आ जाए हुसैन उसे बदल लेते हैं।